नमस्कार, इस वक्त फिलहाल हम मौजूद हैं भिवानी के घंटाघर चौक पर। भिवानी के घंटाघर चौक की बात हो, हांसी गेट चौक की बात हो, रोहतक गेट चौक की बात हो, महम गेट चौक की बात हो, भले ही वेस्ट कॉलेज के पास चौक की बात हो, भिवानी के किसी भी चौक चौराहे की बात हो, अक्सर आपको होमगार्ड के जवान जो पुलिस ड्रेस में दिखाई देते हैं, होमगार्ड के जवान आपको ड्यूटी करते हुए नज़र आएंगे। कल की बात करें, कल होमगार्ड दिवस था और होमगार्ड दिवस पर ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस की जो पोस्ट है, इसके साथ लगते जो होमगार्ड के जवान हैं, चाहे इधर की बात हो, हम बैक पीछे की बात करें, बैक साइड में भी होमगार्ड के जवान आपको ड्यूटी करते हुए नज़र आएंगे। होमगार्ड के जवान जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जो अपनी भूमिका निभाते हैं, दिन भर हम ये कह सकते हैं, ये जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं, ये होमगार्ड के जो जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करते हुए नज़र आते हैं कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं, ये हम बात कर रहे हैं होमगार्ड जवानों की। कल होमगार्ड दिवस था पूरे। शगुन वाटिका ए टू जेड वेडिंग अरेंजमेंट्स। वी आर वन स्टॉप शॉप फॉर वेडिंग प्लानिंग सॉल्यूशन, एज वी प्रोवाइड एवरीथिंग। वी हैव ऑल इन हाउस लाइट्स, साउंड, डीजे, वेडिंग गार्डन, फ्लावर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, प्री वेडिंग शूट, हाईलाइट्स ऑफ इवेंट्स, वेडिंग कैटरिंग, डांस ट्रूप, जयमाला थीम, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, इन्विटेशन। राष्ट्र में होमगार्ड दिवस मनाया गया, भिवानी में भी हुडा पार्क के समीप होमगार्ड जवानों की परेड की गई। पूरे चरखी दादरी और भिवानी जिले की हम बात करें तो यहाँ पर करीब 742 होमगार्ड जवान हैं। हैरानगी की बात है, आश्चर्य की बात है और चिंताजनक भी बात है। वो यह है कि जो होमगार्ड के जो जवान हैं, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो पीछे हम आपको दिखाएंगे, पुलिस के रूप में, पुलिस के तौर तरीके के रूप में, पुलिस नुमा जो ड्रेस आप लोग देख पा रहे हैं, जो टोपी है, जैकेट है, ड्रेस है और जूते हैं, ये जो ड्रेस आपको पुलिस की वर्दी के रूप में जो दिखाई देती है, ये चिंताजनक और हैरानगी की बात यह है कि ये ड्रेस खुद की ही सिलवाते हैं, खुद ही मोल लेकर के आते हैं। पुलिस विभाग की तरफ से या होमगार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से इनको साल भर ड्यूटी करते हुए करने के लिए कोई ड्रेस नहीं दी जाती है। जूते भी खुद के खरीदते हैं, जैकेट टोपी या यूं कह सकते हैं हम, सर्दी गर्मी के हिसाब से जो ड्रेस पहनते हैं, ये होमगार्ड के जवान खुद अपने पैसों की पहनते हैं। जबकि पुलिस की बात हो, सेना की बात हो या अन्य किसी भी संस्थान में जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, आम तौर पर उनको ड्रेस उपलब्ध करवाई जाती है। और ये एक ऐसी होमगार्ड की जो ड्यूटी होती है चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में, इनकी एक अहम भूमिका होती है, व्यवस्था ट्रैफिक की बनाने में इनकी अहम कड़ी कह सकते हैं हम इनको। अक्सर लोग इनको कई बार गालियां तक भी दे करके निकल जाते हैं, क्योंकि इनका कई बार ये समझते हैं कि ये होमगार्ड के जवान हैं, जबकि होमगार्ड का जवान भी एक अच्छा इंसान होता है। ये वैसे तो इनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन 8 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ कई बार इनको 12 से 24 घंटे तक भी ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी VIP ड्यूटी आ गई है, रात को, दिन को, दोपहर को ये जवान कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। इन जवानों की कोई सुध कई बार नहीं ली जाती। अगर हम ये कहें, वर्तमान की यदि हम बात करें, इनकी खुद की जो ड्रेस है,
खुद के जो जूते हैं, जो टोपी है, जैकेट है, ये खुद के पैसों की खरीद के पहनते हैं। ये खुद अपने पैसों से अपना स्वास्थ्य ठीक करते हैं, करवाते हैं या दाखिल होते हैं। ये एक विडंबना है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल की हम बात करें, हाल फिलहाल में पुलिस अधीक्षक भिवानी की तरफ से होमगार्ड के जितने भी जवान हैं उनकी 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में एक अवकाश की घोषणा की गई है, एक शेड्यूल जारी किया गया है। लेकिन एसपी साहब के आदेशों के बावजूद भी 8 घंटे की ड्यूटी का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके बावजूद भी यदि आज हम होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी यदि हम चेक करें या डिपार्टमेंटली इनसे हम जानकारी लें तो आज भी 10 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। ये भी एक दुख की बात है, इसको हम चिंतनीय कह सकते हैं। ये चिंतनीय पहलू है। जितने भी चौक चौराहों पर ये होमगार्ड के जो जवान होते हैं ये अच्छे इंसान भी होते हैं, ये ड्यूटी के प्रति निष्ठा ईमानदारी के साथ भी करते हैं। 100 में से हम किसी एक की तो नहीं कह सकते क्योंकि पांचों जो उंगलियां हैं वो 5 की 5 बराबर नहीं होती। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं ये पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये ड्यूटी करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन क्या होमगार्ड विभाग या पुलिस विभाग क्या इनकी तरफ सुध ले रहा है, क्या इनकी चिंता कर रहा है? शायद अगर हम ना कहें तो इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान की यदि हम बात करें 8 घंटे की ड्यूटी जो एसपी साहब की तरफ से निर्धारित की हुई है वो 10 से 12 और 24 घंटे तक भी कई बार देनी पड़ती है, और आज वर्तमान की यदि बात करें तो 10 घंटे की ड्यूटी आज शेड्यूल में दर्शाई गई है, जबकि ये ट्रैफिक के पुलिस के साथ होमगार्ड के जो जवान होते हैं ये किस तरीके से एक विकलांग भाई को ये रोड क्रॉस करवाते हुए ये एक मानवता का परिचय दे रहे हैं। ये होमगार्ड जवानों की ड्यूटी के साथ साथ ये एक इनकी निष्ठा कहेंगे, ये समर्पण भाव एक ड्यूटी का कहेंगे इनको, लेकिन शासन को, प्रशासन को, सरकार को और ख़ास तौर पर होमगार्ड विभाग है उसको भी चाहिए कि कम से कम इनकी ड्यूटी का समय निर्धारित जो 8 घंटे है वो उस समय पर ही ड्यूटी करवानी चाहिए। इसके अलावा ये ड्रेस है, ये जैकेट है, ये जूते हैं, ये टोपी है, ये भी डिपार्टमेंट की तरफ से उपलब्ध करवाना चाहिए। यदि ये भाई ड्यूटी करते रात दिन जो ड्यूटी निर्धारित होती है रात दिन ड्यूटी करते हैं, यदि बीमार हो जाते हैं तो इनका स्वास्थ्य की सुविधा भी इनको शासन प्रशासन या विभाग की तरफ से करवानी चाहिए। यही नहीं, हमने कल होमगार्ड जो स्थापना दिवस था, कल कई होमगार्ड के साथियों से बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन इन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। इन्होंने खुद कहा साहेब हम गरीब आदमी होते हैं, अपना पेट पालते हैं, बच्चों का गुजारा जैसे तैसे हम करते हैं, यदि मीडिया में हम किसी रूप में आगे आगे तो हमारी नौकरी को कल को कोई छुट्टी न हो जाए, अगर हमारी नौकरी ही चली जाएगी तो फिर हमारा बात उठाने का क्या औचित्य रहेगा। कल होमगार्ड दिवस बीत गया है, कल का दिन था इनका, लेकिन इनके लिए कोई घोषणा नहीं हुई। अब भले ही नववर्ष पर भी आस है, होमगार्ड के जितने जवान हैं भिवानी और हरियाणा की बात करें ना, भिवानी और चरखी दादरी की बात करें, 742 होमगार्ड के जवान हैं पूरे हरियाणा में, करीब 14,500 जवान हैं, ये कोई बड़ी संख्या भी नहीं कह सकते। और पुलिस के जितने भी ट्रैफिक के जवान हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये काम करते हैं। हम नहीं चाहते, हमारा मकसद पॉजिटिव इनकी पीड़ा को उठाना है, इनकी समस्या को उठाना है। हर आदमी ये खुल करके मीडिया के सामने आ नहीं सकते और इनकी बात ऊपर तक कई बार पहुंच नहीं पाती। हम गुजारिश करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से बात कर गुजारिश करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं इन भाइयों की विशुद्ध ली जाए। कल एक होमगार्ड के जो जवान ने हमारे से बातचीत की, हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया, उन्होंने क्या कहा हम कुछ ऑडियो के बारे माध्यम से आपको सुनाना चाहते हैं। तो ये सरकार में भेज रहे क्या आपने कभी लिखित में या ऊपर डिमांड भेजा? हाँ हाँ,
लोकल डिमांड भी रखी सरकार के पास में, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह जो तो भी सिस्टम है उन्होंने साइन कर रखी है, सिर्फ सीएम साहब ने साइन नहीं की थी उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, सीएम साहब ने घोषणा करनी थी उसके ऊपर क्या हुआ है सिस्टम। अच्छा, तो अपने पूरे जिले में कितने होंगे होमगार्ड जवान अपने? ये 742 जवान है जी, दादरी और भिवानी। दादरी और भिवानी, और पूरे हरियाणा की बात करें तो 14,500 के लगभग है। 14,500, तो ये ड्यूटी आप लोगों की कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की होती है। 8 घंटे अवकाश भी होता है बीच में? हाँ, महीने में 4 अवकाश होते हैं। अच्छा अच्छा, यानी वीकली समझे आप? हाँ, वीकली एक अवकाश किया है। और ड्रेस वगैरह ये समय पर मिल जाती है? हाँ, समय पर ड्रेस वगैरह ये मिल जाती है। ड्रेस है, जूते हैं और कोई? ये पहले जैसे अदर वगैरह की थी, फिर उन्होंने जवानों जैसे बदला बढ़ा ना, हाँ, 160 हुआ, जवानों ने आप अपनी की सिलवा ली अलग से। तो सरकार कितना देती है ड्रेस के नाम? कुछ नहीं देती सरकार ड्रेस के नाम। ड्रेस के नाम पे ये आप लोग जो ड्रेस पहनते हो ये खुद की पहनते हो? हाँ, खुद की पहनते हैं। ये तो गलत बात है, देखो डिपार्टमेंट को तो देना चाहिए। डिपार्टमेंट ने अभी जो पीछे मीटिंग हुई थी हमारी, हाँ हाँ, यहाँ से जवान भेजे थे हमने अलग से, डी जी साहब की मीटिंग तैयारी जिले से पूरा रखे थे खुद जवान, हाँ, तो अपना देश और जी है महादेशक, उन्होंने डिमांड रखी थी भाई आपको ये 1 तारीख से नए साल से उपलब्ध हो जाएगा। देश के बारे में बोला था, गर्मी के अलग से और सर्दी के अलग से छुट्टी मिलेंगे। ये सैलरी है 24,647 आपके लागू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो अब उन्होंने पिछले साल की बात है या इस नए साल की बात कर रहे हैं? अभी पिछले मीटिंग होती है थोड़े दिन पहले है, अब तक पहले की बात। अच्छा, वो कह रहे थे भी नए साल में हो जाएगा तुम्हारा ये काम। अच्छा अच्छा, यह सरकार फिलहाल तो आप ये कह सकते हैं जो ये ड्रेस है जूता है ये आप लोगों के खुद के? हाँ जी, खुद के हैं। हाँ, तो ये भी गलत बात है, देखो इतने अब सरकार मान लो नया भी घोषित करेगी तो पिछले जो आप लोगों के पैसे खर्च हुए हैं वो तो आपके लगे जेब से? हाँ, हमारे लगे जेब से। हाँ, तो नहीं वो मेडिकल खर्च दे रही है सरकार? मेडिकल खर्च नहीं दे रही? नहीं दे रही। तो ये भी गलत बात है, मेडिकल ही मान लो आप 8 घंटे पूरे चढ़े रहते हो। हाँ जी, और कोई बीमारी हरी बीमारी बंदे आजकल वायरस ये सब है तो कोई भी हरी बीमारी होगी तो खुद इलाज कराओ? हाँ, खुद इलाज करो, गलत बात है। तो एक बार आप जैसा कि अभी हमने कुछ होमगार्ड के जो जवान से कल हमने बातचीत की थी होमगार्ड स्थापना दिवस पर, उन्होंने कहा कि हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते, कैमरे के आगे नहीं आ सकते, हमने अपनी नौकरी प्यारी होती है, हमारी समस्याएं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बोलेंगे तो बोलेंगे बोलता है, ये सच्चाई भी है हकीकत भी है। ये यदि पुलिस लेट भी आएगी तो ट्रैफिक ये होमगार्ड के जो जवान हैं ये ज़रूर दिखाई देंगे आपको। ये भी एक अपने अंदर अच्छा दिल रखते हैं, मानवता की सेवा की भावना इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इस सभी पहलुओं को देखते हुए हमारी बार बार यही अपील है, बार बार यही गुजारिश है, इन पर ध्यान दिया जाए। हम ज़्यादा कुछ न बोलते हुए एक और नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।